हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा अनवाइंड। आज की कहानी का नाम है निक ऑफ टाइम, जो 1995 में बनी एक बेहद इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर है और जिसे IMDb पे मिले हैं 6.3/10। लाजमी है ये मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलिए कहानी को जानते और समझते हैं। जिन वॉटसन नाम का एक अकाउंटेंट अपनी 4 साल की बेटी के साथ लॉस एंजलिस के यूनियन स्टेशन पे पहुंचता है। जिन एक अज्ञात व्यक्ति को फ़ोन कॉल पे सूचित करता है कि उसकी ट्रेन लेट हो चुकी है। वहीं सूट में दो रहस्यमय अजनबी मिस्टर स्मिथ और मिस जोन्स स्टेशन का सर्वेक्षण करते नजर आते हैं। वे किसी प्लान के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक स्केटर जिन की बेटी को परेशान करने लगता है, जिसका जिन उसे करारा जवाब देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। स्मिथ और जोन्स जो हर किसी पर नज़र रख रहे थे, अचानक जिन के पास जाते हैं और उसे उसकी बेटी के साथ अपनी वैन में बैठने को कहते हैं। प्रश्न करने पर वे पुलिस की आईडी दिखाते हैं, जिसके बाद जिन के पास चुपचाप वैन में बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। पर थोड़ी दूर के बाद जीन को समझ आता है कि यहाँ कुछ तो झोल है, क्योंकि उसे वैन में बैठाने का पुलिस के पास कोई रीज़न नहीं है। लेकिन तभी स्मिथ पिस्टल से उसके पैर पे शाबुक मारता है और जिन को उसकी बातें ध्यान से सुनने को कहता है। आगे वो जिन को एक महिला की तस्वीर दिखाता है और धमकी देता है कि अगर उसने उस महिला की दोपहर 1:30 बजे तक हत्या नहीं की तो वे उसकी बेटी को मार डालेंगे। पता चलता है कि महिला कैलिफोर्निया की गवर्नर एलोगोर ग्रांट है, जिसे मारना एक आत्मघाती मिशन होगा। इलेक्शन का वक्त था और लॉस एंजलिस के एक होटल में गवर्नर के दो स्पीच होने थे। जीन को वहां जाकर गवर्नर को गोली मारनी थी, बेटी की जान बचानी थी, इसलिए और कोई उपाय भी नहीं था। पर गवर्नर को गोली मारना खुद को फांसी लगाने जैसी बात थी। जिन होटल में जाता है और अपनी स्थिति के बारे में कुछ खास लोगों को बताने की कोशिश करता है, पर मिस्टर स्मिथ लगातार उसका पीछा करता है, ताने मारता है और जब वो कोई कदम नहीं उठाता तो जीन की पिटाई भी करता है। तब जीन को एक स्पेशल ऑफिसर दिखता है, जिसे वो मिस्टर स्मिथ के बारे में बताता है कि इस आदमी के पास गन है और ये उसे धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पर जीन की हेल्प करने के बजाय ऑफिसर मिस्टर स्मिथ का पक्ष लेता है, जिससे जीन काफ़ी घबरा जाता है। जीन को आगे सिक्योरिटी चेक से गुजरना था। वो ये सोचकर खुश हो जाता है कि सिक्योरिटी वाले उसकी गन ज़रूर पकड़ लेंगे और ये मिशन यहीं ख़त्म हो जाएगा। पर वो ये देख कर हैरान रह जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे चेक तो किया पर गन डिटेक्ट नहीं हुई। अब गवर्नर का पहला स्पीच शुरू होता है। जीन उसे मारना नहीं चाहता, वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जिसे वो सारी बात बता सके और उसकी मदद हो पाए। तब उसे गवर्नर की पर्सनल असिस्टेंट क्रिस्टा मिलती है। जीन उसे सारी बात बता देता है और उससे हेल्प मांगता है। वो उसे वहाँ तैनात पुलिस ऑफिसर्स के पास जाने को कहती है, जिस पर जीन कहता है कि ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पिछली बार सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे गन के साथ अंदर जाने की परमिशन दे दी थी और यहाँ तैनात सारे ऑफिसर्स मिस्टर स्मिथ से मिले हुए हैं। तब वो उसे गवर्नर साहिबा के हस्बैंड ब्रैंडन के प्राइवेट रूम में ले जाती है। उन्हें देखकर ब्रैंडन गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि इस मामूली व्यक्ति को तुम यहाँ क्यों ले आई। वो उसे पूरी बात बताती है। जीन उसे मिस्टर स्मिथ की दी हुई गन भी दिखाता है और बताता है कि मिस्टर स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने उसे ये गन गवर्नर की हत्या करने के लिए दी है। तब वहाँ तैनात एक पुलिस ऑफिसर प्रश्न करता है कि क्या ये गन असली भी है। पर तभी मिस्टर स्मिथ वहाँ आ जाता है और उसके हाथ से वो गन छीन कर क्रिस्टा को गोली मार देता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। जीन को अब ये समझ आ चुका था कि सारे पुलिस ऑफिसर्स और ब्रैंडन गवर्नर की मौत की साजिश में शामिल थे। उसे अब किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिस पर वो इन बातों के साथ पूरी तरह भरोसा कर पाता
उधर गवर्नर का पहला स्पीच खत्म होता है और वो अपने कमरे में चली जाती है, जिन पर गवर्नर के दूसरे स्पीच के दौरान उसे मारने का दबाव बनाया जाता है। उसके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि बहुत जल्द दूसरा स्पीच शुरू होने वाला। फाइनली शीन को एक वॉर वेटरन मिलता है जो होटल में लोगों के जूते पॉलिश करता था। पहले तो वो शीन की कहानी पर विश्वास नहीं करता, पर तभी वहाँ मिस्टर स्मिथ पहुँचता है और आगे की प्लानिंग करने लगता है, जिससे मामला पूरी तरह साफ हो जाता है। जीन मिस्टर स्मिथ से कहता है कि उसे जूते पॉलिश कराने हैं, वह थोड़ी देर में बाहर आएगा। मिस्टर स्मिथ को शक होता है कि कहीं ये सारी बातें इस जूते पॉलिश करने वाले से डिस्कस तो नहीं कर रहा, जिस पर जीन झूठ बोल देता है कि ये बहरा है और सुन नहीं सकता। ह्यू उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है और उसकी मदद से जीन गवर्नर के रूम तक पहुँच जाता है। पहले तो गवर्नर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, पर जीन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अगर उसने उसे नहीं मारा तो वे उसकी बेटी को मार डालेंगे और इसीलिए वो किसी भी हालत में दूसरा स्पीच देने बॉल रूम में ना जाए। वो आगे बताता है कि उसका हस्बैंड ब्रैंडन भी इसमें मिला हुआ है और उसने उसकी पर्सनल असिस्टेंट क्रिस्टा को भी मरवा दिया है। गवर्नर परेशान हो जाती है। थोड़ी देर में जब ब्रैंडन उसके पास आता है तो वो उससे क्रिस्टा के बारे में पूछती है। वो बहाने बनाते हुए ये बताता है कि क्रिस्टा को उसने किसी और काम से कहीं और भेज दिया है। अब गवर्नर के पीए को उसके इलेक्शन कैंपेन के बीच में कहीं और भेज देने वाली बात काफ़ी असहज थी। गवर्नर ब्रैंडन को स्पीच कैंसिल करने को कहती है तो वो भड़क जाता है और कहता है कि ये इलेक्शन में उसकी हार की बड़ी वजह बन सकती है और इसीलिए वो बेहतर होगा कि वो ये स्पीच ज़रूर दे। अब गवर्नर को ब्रैंडन पे शक हो जाता है। उसने एक लंबी सांस भरी और स्पीच के लिए हामी कर दी। थोड़ी देर में स्पीच का वक्त आता है। अब जीन को मजबूरन गवर्नर पर गोली चलानी पड़ेगी। उधर मिस्टर स्मिथ भी अपनी गन गवर्नर पर पॉइंट कर मौके का इंतज़ार करता है। तब जीन गवर्नर की जगह प्रोजेक्टर पर गोली चला देता है, जिससे वहाँ खलबली मच जाती है। और इसी बीच मिस्टर स्मिथ गवर्नर पर गोली चलाता है, पर गवर्नर के बॉडीगार्ड ने उसे घेर लिया और गवर्नर अपने बॉडीगार्ड के साथ वहीं गिर पड़ती है, जिससे ब्रैंडन को लगता है कि गवर्नर मर चुकी है और वो उसके पास जाकर कहता है कि फाइनली वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। तभी गवर्नर जो बेहोश मात्र हुई थी आंखें खोलती है और अब ब्रैंडन का पर्दा फाश हो चुका है। इधर ह्यू मिस्टर स्मिथ की पार्टनर मिस्टर जोन्स, जिसके पास चीन की बेटी लीन कैथी के पास जाता है और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है। तभी वो उसके पैरों पर शूट कर देती है, पर इसी बीच उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस गिर जाती है। उसे उठाने के दौरान दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी बीच शीन वहां पहुंच जाता है। अब गवर्नर को ब्रैंडन पे शक हो जाता है। उसने एक लंबी सांस भरी और स्पीच के लिए हामी कर दी। थोड़ी देर में स्पीच का वक्त आता है। अब शीन को मजबूरन गवर्नर पर गोली चलानी पड़ेगी। उधर मिस्टर स्मिथ भी अपनी गन गवर्नर पर पॉइंट कर मौके का इंतज़ार करता है। तब जीन गवर्नर की जगह प्रोजेक्टर पर गोली चला देता है, जिससे वहां खलबली मच जाती है और इसी बीच मिस्टर स्मिथ गवर्नर पर गोली चलाता है, पर गवर्नर के बॉडीगार्ड ने उसे घेर लिया और गवर्नर अपने बॉडीगार्ड के साथ वहीं गिर पड़ती है, जिससे ब्रैंडन को लगता है कि गवर्नर मर चुकी है और वो उसके पास जाकर कहता है कि फाइनली वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। तभी गवर्नर जो बेहोश मात्र हुई थी आंखें खोलती है और अब ब्रैंडन का पर्दा फाश हो चुका है। इधर ह्यू मिस्टर स्मिथ की पार्टनर मिस्टर जोन्स, जिसके पास चीन की बेटी लीन कैथी के पास जाता है और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है। तभी वो उसके पैरों पर शूट कर देती है, पर इसी बीच उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस गिर जाती है।
उसे उठाने के दौरान दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी बीच शीन वहां पहुंच जाता है। तभी मिस्टर स्मिथ लीन को मारने की कोशिश करता है, पर जीन जो पूरी तरह प्रिपेयर था मिस्टर स्मिथ पर गोली चला देता है। लीन दौड़ते हुए अपने पिता के पास आ जाती है, पर तब मिस शोन्स लीन पे बंदूक तान देती है। यू अपनी नकली टांग से तब मिस शोन्स पर वार करता है और लीन बच जाती है। कुछ दिनों के बाद एक टीवी शो में गवर्नर ने जीन का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया, पर इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड की पुष्टि नहीं हो पाई और वो बच निकला। इस तरह से कहानी के राइटर ने हमारे समाज की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि असलियत में भी क्रिमिनल केसेस को सुलझाने में कई साल लग जाते हैं और अपराधी बड़ी आसानी से बच निकलते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियों को जानने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें सिनेमा अनवाइंड और अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।